ओम शांति। मु ब्रह्मा कुमारी गीतांजलि आज आपण मानक सम्मुखरे निद्रा एवं जोग निद्रा विषय रे किछि आलोकपात करिया पय जाउछि। एकविंश शताब्दी रे आज आमे पाद देछु, किंतु एकविंश शताब्दी को एज ऑफ पैनिक एंड डिप्रेशन बा विषाद एवं भयर वर्ष बोली कहा जाउछि। आज प्रत्येक मनुष्य भय एवं विषाद रे गति करुछि, किंतु विज्ञान यथेष्ट अग्रगति होवा सत्वे मध्य विश्व आज एक ग्लोबल विलेज रे परिणत हो जाइछि। आमे घरे बसी गोटे कोण रु अन्य कोण को अति सहज रे अति कम समय रे आमे जोगाजोग करि पारछु, किंतु आज आम एक अशांति वातावरण मध्य गति करुछु। यही अशांति वातावरण द्वारा आज आम निजर निद्रा को हजाई देछु। आज आम पाखरे पैसा अच्छी, गाड़ी अच्छी, सब प्रकार सुख समृद्धि अच्छी, डनलप बेड अच्छी, एयर कूलर अच्छी, एयर कंडीशन अच्छी, किंतु राति रे आमे निद बटिकार आधार नहीं राति बीतई था। कारण आज प्रत्येक मनुष भितर आर्थिक सामाजिक पारिवारिक कौनसी ना कौनसी समस्या रे प्रत्येक मनुष्य आज गति करुछि। से समस्या बहुल जीवन ही तार दुख अशांति मूल कारण। तेणु से राति रे जेते बेले निजर बेड पाख जाउची, तार दिन विभिन्न प्रकार कथा, विभिन्न प्रकार नेगेटिविटी ताकु राति सारा अनिद्रा करिबा पई बाध्य करुची। तेणु जेपरी आमे शरीर पई भोजन को प्राधान्य देचु, सेति पई शरीर को सुस्थ रखिबा पई मध्य निद्रार मध्य सेतिके आवश्यकता रहिछि। जड़े सुस्थ मनुष्य जदि दिन रे 6 घंटा सुनिद्रा करि पारे ताले से केबे रोगी हबो नाही। आजर विश्व रे 60% रो अधिक लोक अनिद्रा रोग रे शिकार हो जाइछंती। स्लीप को मैनेज करिबा दरकार। तनु स्लीप को मैनेज करिबा पई हेले प्रथमे मन विषय रे किछि जानिबा दरकार। मन एक चंचल घोड़ा, मन भितरे विचारर लहरी चली थाए, विभिन्न प्रकार विचार आमर मन को आंदोलित करे, विभिन्न प्रकार नेगेटिव थॉट्स, विभिन्न प्रकार आम जीवन रे बीती जाइथिबा कथा बेले बेले आम को बहुत अशांत करि देथाए। सारा दिन रे प्रत्येक मिनिट रे आमे 25-30 विचार करिथाउ। जदि आमे हिसाब करिबा गोटे दिन रे आमे 40,000-50,000 विचार आम मन रे चले। जेते मनुष्य विचार करे सेते तार शक्ति रा क्षय हेथाए। समस्तक जीवन रे किछि ना किछि अशांति जाक आमे तनाव कहचु बा स्ट्रेस कहचु रहिछि। तेणु से स्ट्रेस रु मुक्ति पाइबार आधार मध्य सुनिद्रा। आमे प्रति मिनिट रे 25-30 विचार करथाउ। जेतेबेळे मनीष टेंशन स्टेट रे थाए बा स्ट्रेस कंडीशन रे थाए सेतेबेळे ता मन रे 30-50 विचार उत्पन्न होइथाए। जदि मनर विचार गोटे मिनिट रे 50 अधिक होइथाए ताले व्यक्ति पागल हो जिवार संभावना थाए, नल तार नर्वस ब्रेकडाउन मध्य होइथाए। तेणु वर्तमान आमे से मन रे जो विचार सृष्टि होउची
से किपर आमर मस्तिष्क तरंग को प्रभावित करुच्ची विषय आम जाना मस्तिष्क जो तरंग उत्पन्न होता है मापापी जो जंत्र व्यवहार करा जाए ईईजी बा इलेक्ट्रो एनसेफालोग्राम कहते जहाँ हंस बर्गर नामक जड़े वैज्ञानिक उद्भावन करते आम मस्तिष्क बीटा वेव्स से प्रड्यूस हुए से उत्पन्न हुए जो आम संपूर्ण जाग्रत अवस्था था जहाँ को आम जार गति 13 Hz रु अधिका बा मन आम जो हालुका थाए संपूर्ण रिलैक्स थाए से आम मन से मस्तिष्क अल्फा वेव्स उत्पन्न हुए थीटा वेव्स जहाँ को आम ड्राउजी स्टेट आम कौ जो स्वप्न चले से थीटा वेव्स आम मस्तिष्क उत्पन्न हुए तेणु आम मस्तिष्क अल्फा बीटा अल्फा थीटा एवं डेल्टा यह चारोटी तरंग सब बेले प्रभावित होता है तेणु आम जब प्रथम शोवापी जाऊ संपूर्ण जाग्रत अवस्था था आम मस्तिष्क बीटा वेव चल थाए जत आम धीरे धीरे निद आसे से आम थीटा स्टेट को जाते बड़े आम डेल्टा स्टेट रे पहुँची था जहाँ को आम कौ गभीर निद्रा तेणु जो डेल्टा स्टेज रे जो आम पहुँची जाऊ से आम माइंड को रिचार्ज कर आम गोटे राति तीनोटी निदर साइकिल को कंप्लीट कर जोटा कि बीटा रू अल्फा अल्फा रू थीटा एवं थीटा रू डेल्टा स्टेज रे पहुँची था तो गोटे साइकिल को कंप्लीट करवा पूरा करवाई हेले 110 रु 130 मिनिट लगी थाए तेणु आम जिते निजक रिलैक्स कंडीशन रे रखा निजक हल्का रखा से आम मेंटल एफिशिएंसी बा जहाँ को आम कौ मानसिक दक्षता आम बढ़ी थाए एवं आम नुआ किछि करिवा पई आग्रह प्रकाश करथौ आम भितर क्रिएटिविटी आसे आम भितर नुआ नुआ आईडिया मध्य आसी थाए जदि आम टीवी देखिकि सोइवा पई जाउछु तो टीवी देखिबा द्वारा आमर माइंड एक्टिवेट हो जाए मस्तिष्कर स्नायु ग्रंथि उत्तेजित हो जाए मन जेतेबेले चंचल हो जाए सेतळ मध्ये निद आसे नाही ता छड़ा कई कई मध्य शोइबा पूर्वरु न्यूज पेपर पढ़ती जहाद्वारा मध्य आमे भले शोइबा पई जाऊ किंतु सेई सेई समय जो चिंतन चले आमे गभीर निद्रा को बा एक सुखद निद्रा को अनुभव करि पारुनु जो मु बतेली आपण को कि जत्ते बेले आमे गभीर निद्रा रे पहुंची जाऊ को आमे कहू डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड सेते बेले से डेल्टा स्टेट रे जदि आमे 20 मिनट भी सोई परु ताले 4 घंटा पाई निजो को रिचार्ज कर दोचु मारे रिफ्रेश कर दोचु तेणु आमे राति रे जदि 45 रु 50 मिनिट पर्यंत डेल्टा स्टेट रहिबा बा डेल्टा स्टेट रो निद को अनुभव करिबा ताले आमे सुस्थ हो पारिबा तेणु आमे या तो 2 घंटा 4 घंटा बा 6 घंटा सोइबा दरकार किंतु जदि आमे 3 घंटा 5 घंटा 7 घंटा सोचू भले आम सोचू
किंतु आमे निजो को सतेज बा रिफ्रेश अनुभव करी पारनो। कारण जदि आमर मस्तिष्क गति थीटा रे अच्छी ताले बहुत एनर्जी आमर बहुत शक्ति आमर नष्ट हो जाउछि। तेणु से समय जदि जन व्यक्ति को उठाई दिया जाए ताले से निद निद अनुभव करिवो। तेणु राति 10 रे सोई सकाळ 4 रे उठिबा दरकार। कारण राति 10 रे 4 भितरे आमे तीनोटी साइकिल को कंप्लीट करथौ। जदि राति 12 गोटे रे आमे सोउछु एवं 5 परे 6 परे आमे उठुछु जाद्वारा आमर निदर साइकिल कंप्लीट हे परुनी। तेणु भले आमे सोई रहुछु बिछणा रे विभिन्न प्रकार मन रे भावना आसुची संकल्प आसुची नेगेटिव थॉट्स आसुची एनर्जी नष्ट होउची किंतु आमे रिफ्रेश हे परनु। सेति पई 4 बेले आमे को बिछणा त्याग करिया उचित। जदि आमे 5 बेले भी आमे बिछणा रे पड़ी रहुछु ताले सेते बेले आमर मनर गति थीटा स्टेट रहुछी। आमे विभिन्न प्रकार स्वप्न मध्य देखुचु तेणु स्वप्न देखिबा द्वारा सेते बेले मनर गति बहुत क्षिप्र थाए जहाद्वारा एनर्जी मध्य नष्ट होइथाए। एपर्यंत आमे बुझिलु कि जेते आमे जदि डेल्टा स्लीप रे जेते सोउचु सेते आमे निजकु रिचार्ज करि पारछु। तेणु आमर आज जो टॉपिक रही निद्रा एवं जोग निद्रा जो जोग निद्रा माने होची मेडिटेशन बा जे राजो जोग द्वारा आमे एक सुनिद्रार अनुभव करि परिबा। राजो जोग द्वारा आमे डेल्टा स्टेट रो मनर डेल्टा स्थिति को अनुभव करि परिबा। जदि जने 20 मिनिट मध्य मेडिटेशन करे ताल से 4 घंटा निजो को रिफ्रेश कर परिबो। आमर संस्थार जे वर्तमान अछंती मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी जहां को टेबल माइंड ऑफ द वर्ल्ड बा डेल्टा वुमेन जहाँ को सारा विश्वर वैज्ञानिक माने घोषणा करिछंती तांकर मस्तिष्क रे सब बेले डेल्टा वेव्स चली थाए। तेणु स्लीप मैनेजमेंट करिबा पाई हेले प्रथम कथा हला एक तो आम को गोटे शॉर्ट नैप बा 45 मिनिट रो खरा बेले भोजन परे नैप नवा जरूरी एवं मेडिटेशन करिबा मध्य जरूरी। कौनसी इतर प्राणी रो ब्रेन रो बाह्य अंश जहाँ को आमे कॉर्टेक्स बोली कहिथाउ जदि केंद्रीय अंश भागरु ताको अलगा करि दिए जाए ताले मस्तिष्क सुप्त होइथाय कौनसी कार्य करि पार न थाए। राजो जोग द्वारा मध्य आमे निजकु निजर मन को शांत करी बाह्य वातावरण रु जत निज को अलगा कर दौ से मन आमर स्थिर हो जाए मनर गति स्थिर हो जाए एवं आमे से आम मस्तिष्क रु से डेल्टा तरंग उत्पन्न होता है। तेणु राजजोग मध्य एक स्लीप मेडिसिन बा निद बटिका रूपे काम करिथाय। प्रथम कथा हला कि सोइबा पूर्वरु आमे निजकु रिलैक्स करी संपूर्ण चिंता मुक्त करी साइलेंस रे बसी किछि समय सेई प्रभु पितांकु मने पकेइबा मेडिटेशन करिबा एवं सारा दिन रे जो
कथा बीती जाइछि आम द्वारा कौन भूल भटका हेछि ताकु आमे परीक्षा करिबा कहा द्वारा जदि सेमिति किछि भूल हेछि ताले आमे ताकु क्षमा करि दबा जा द्वारा मध्य चिंतन चालिबा नाही एवं मन से परमात्मा को पाख को नहीं जीवा आपण मान कह जे डॉक्टर थिले से अनिद्रार शिकार होते इंसोमनिया बीमारी होता किंतु से किछि दिन राजयोग अभ्यास करिला परे से बिना स्लीपिंग पिल्स रे बा बिना निद वटिका रे सुखद निद्रा रा अनुभव कले तेणु जदि आम प्रत्येक दिन से राजयोग अभ्यास करिबा ताले आमको से निद वटिका रा अभ्यास करिबा को पड़िबो नाही सात दिन राजयोग अभ्यास ही आमको से अनिद्रा रूपी बीमारी रु बा रोग रु संपूर्ण मुक्त करि परिबो एवं जोति पई आज आम जीवन रे टेंशन बा स्ट्रेस रहिछि तेनु जते बेले सुखद निद्रा आमे अनुभूति करिबा तान मध्य आमे टेंशन फ्री लाइफ बा चिंता मुक्त जीवन बा एक सुख शांतिमय जीवन जीवन जापन कर परिबा ओम शांति। Oh, oh, oh.
रक्तदान शिविर 10,000 ब्रह्मवत्स जो मैंने कि अथक प्रयास द्वारा सत्यमार्ग आध्यात्मिक यात्रार यात्री से नेतृत्व नौ दादी प्रकाश मणिजी निजर मन वचन कर्म द्वारा सेवा करवाधारी मैंने रक्तदान करते जहाद्वारा 2,000 रोगी उपकृत होते चलतु देखा शांतिवन में विश्व को शांतिर प्रकंपन दे शांति पथर पथिक मैंने कौन कर हम स्वर्ग धरा पर